सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो दिस इज यादि हल्के में। सो गाइज, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज हम आपको ले जा रहे हैं कलकत्ता हावड़ा। ओके, सो गाइज स्टार्ट करते हैं हमारे चकदरपुर से। सो जैसे कि आप देख रहे हो, हमारा चकदरपुर है। मैं बता दूँ पहले कि चकदरपुर से ट्रेन की भाड़ा है, आई मीन ट्रेन की प्राइस है, जनरल डिब्बा में आपको एक साइड का 125 लगेगा और स्लीपर में आपको लगेगा 210 और एसी में लगेगा आपको 610 ओनली एक साइड का। ओके, आप देख लो आपको जिसमें अच्छा लग रहा है। सो गाइज, मैं जा रही हूँ एसी में। सो ये मेरा 9 या 10 बार होगा, ठीक है, 10 ही होगा शायद। सो ये मैं 10 बार जा रही हूँ कलकत्ता। ओके, सो गाइज अभी आप देखो रोड फाइनली पहुँच गए। सो हम पहुँच गए कलकत्ता। पहुँचने में चकदरपुर से लगता है ओनली 6 घंटा लगेगा आपको, ठीक है। और ये रहा स्टेशन, कलकत्ता का स्टेशन, जो कि बहुत ही भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ओके, सो गाइज मैं बता दूँ, कलकत्ता की राजधानी है वेस्ट बंगाल। ओके, सो अभी हम सोच रहे हैं यहाँ से कहाँ जाएँ। सो अभी हम यहाँ से जाएँगे बाबू घाट। बाबू घाट में हम सिर्फ स्टीमर में बैठेंगे, ठीक है। हावड़ा से बाबू घाट जाएंगे, स्टीमर से जाएंगे, जो कि स्टीमर मेरा ये रहा हावड़ा ब्रिज, जो कि 1936 में बना, 36 या 32 में बना है, 32 में कंप्लीट हो गया था। ओके, इसको 6 साल लगा था बनने में। सो गाइस अभी हम सिर्फ में चढ़ चुके हैं। हावड़ा से बाबू घाट के लिए ओनली सिर्फ 6 रुपये में आप स्टीमर में आराम से यात्रा कर सकते हो। आप देख रहे हो बहुत ही भीड़ है वहाँ पे, और वहाँ से ओवर ब्रिज, मतलब हावड़ा ब्रिज कितना ही प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर। ओके, सो गाइस हमने मुझे पहली बार मैं बैठी थी, बट मुझे अच्छा लगा। आप भी एक बार ज़रूर जाओ कलकत्ता और इन्जॉय करो स्टीमर का। और मेरा भाई बोलता है ठीक है हल्के में, मतलब अच्छा लगा बोलता है। सो मुझे भी अच्छा ही लगा, अलग ही एक्सपीरियंस था कुछ। स्टीमर हिल नहीं रहा था ना, तो डर भी नहीं लग रहा था, ठीक था। सो अभी हम उतरने वाले बाबूघाट में पहुंच चुके हैं। सो फिर हम कलकत्ता में बहुत सारे घूमने की जगह है, लाइक विक्टोरिया मेमोरियल, तारामंडल, साइंस सिटी, वर्ल्ड का साइंस सिटी है वहाँ पे, फिर अलीपुर जू, बहुत ही घूमने का जगह है। सो जहाँ भी आप जाओगे बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत कम प्राइस में। जैसे कि हावड़ा स्टेशन से विक्टोरिया पहुँचने के लिए मात्र 15 रुपया बस का टिकट है, और एसी बस में 30 रुपीज़। तो आप ही मतलब बहुत वहाँ आप 1200 में आराम से कलकत्ता घूम के आ सकते हो। सो आप देख रहे हो ना मुझे, मैं कितनी खुश थी, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि पहली बार स्टीमर में चढ़ी थी। मौका बहुत मिला था मुंबई में भी, बट मैं चढ़ी नहीं क्योंकि डर लग रहा था, बट इस बार डर ही नहीं लगा यार, मज़ा आ गया। सो गाइस अभी हम आपको ले चलेंगे डायरेक्ट विक्टोरिया मेमोरियल। सो हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ की एंट्री फीस है 30 रुपीज़, और अगर आपको म्यूजियम भी घुसना है तो 50 लगेगा। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।